दिल्ली विधानसभा चुनाव में 67 सीट के प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी के लिए एक और अग्नि परीक्षा सामने है। बवाना विधानसभा उपचुनाव, ये सीट आम आदमी पार्टी के विधायक वेद प्रकाश के इस्तीफे से खाली हुई है। निगम चुनाव के ठीक पहले वेद प्रकाश ने आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका देते हुए विधायकी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया था। केजरीवाल के नाम पर कस्बे वादे खाने वाले वेद प्रकाश ने पार्टी अगुवाई पर गंभीर आरोप भी लगाए। आम आदमी पार्टी के लिए रही सही कसर निगम चुनाव में पूरी हो गई। निगम चुनाव के बाद आप नेता डैमेज कंट्रोल में जुटे। खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल अब तक दर्जन भर से ज्यादा बार बवाना का दौरा कर चुके हैं। दिल्ली देहात को भी ध्यान में रखकर सरकार ने फैसले किए और बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व विधायक वेद प्रकाश पर धोखा देने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी ने रामचंद्र को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। हाल ही में रजौरी गार्डन उपचुनाव में अपना एक सीट गंवा चुकी आम आदमी पार्टी के लिए बवाना चुनाव बड़ी चुनौती है। बवाना चुनाव को लेकर हमारी तैयारी पूरी है। गोपाल जी के नेतृत्व में पूरी एक टीम को जो है वह बवाना में काम कर रही है। जहां तक वेद प्रकाश जी का है तो जाहिर सी बात है, जब जनता ने उनको चुन के भेजा था आम आदमी पार्टी के टिकट पर और आप जनता को धोखा दोगे और धोखा देके आप दूसरी पार्टी में शामिल होगे तो जनता तो नाराज होगी। और जनता इस बात को साबित करेगी कि किस तरीके से वेद प्रकाश ने धोखा दिया। और ये सब देखिए, ये अकेले दिल्ली में नहीं हो रहा, आप देख रहे पूरे देश के अंदर जहाँ भी विपक्षी पार्टियां हैं, हर जगह जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उनके नेताओं को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। बवाना विधानसभा उपचुनाव बीजेपी के लिए भी किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। दरअसल बीजेपी ने बवाना सीट से ही आप विधायक दल में सेंध लगाई। इससे ठीक बाद दिल्ली नगर निगम चुनाव में शानदार जीत हासिल की। खास बात यह है कि बीजेपी ने आपके पूर्व विधायक वेद प्रकाश पर ही अपना दाव लगाया है। आपके नेता बीजेपी उम्मीदवार पर बवाना की जनता को धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं, तो बीजेपी उम्मीदवार आम आदमी पार्टी और सरकार पर बवाना और पूरी दिल्ली को धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं। लिहाजा बवाना से बीजेपी के लिए संदेश जाएगा कि निगम चुनाव के लिए लहर बरकरार है। तीन तरफ की फाइट तो है, लेकिन मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग निश्चित रूप से मतदान करेंगे, क्योंकि जो दो पार्टियां हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, उनकी करनी धरनी सब सबके सामने है। कांग्रेस का भी 15 साल के शासन के बाद दिल्ली की यही स्थिति है और आम आदमी पार्टी ने जो 2.5 साल में किया है वो तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो उससे उसको पीड़ा न हुई हो। तो ठीक है, तीन पक्ष लड़ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को लोग जिताएंगे। बवाना विधानसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी और बीजेपी की जंग में कांग्रेस भी अपनी उम्मीद तलाश रही है। रजौरी गार्डन उपचुनाव में कांग्रेस जीत तो दर्ज नहीं कर सकी, पर चुनाव अच्छा लड़ी। बवाना सीट पर कांग्रेस ने 3 बार विधायक रहे सुरेंद्र कुमार को मैदान में उतारा। कांग्रेस बूथ स्तर से लेकर देहात में पिछली कांग्रेस सरकार और विधायक सुरेंद्र कुमार की उपलब्धियां गिना रही है। देखिए, बवाना में कांग्रेस की तैयारी बहुत जोरों से है, हमारे अध्यक्ष स्वयं लगे हुए हैं। हमने इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को 111 सेक्टर्स में डिवाइड किया है और 111 सेक्टर में अध्यक्ष जी ने 170 जो हमारे नेता हैं पूरी दिल्ली भर से उनको वहाँ लगाया है लुक आफ्टर करने के लिए। किसी भी नेता को 3 या 4 पोलिंग बूथ से ज़्यादा नहीं दिए हैं और हम डोर टू डोर कन्वेंसिंग कर रहे हैं। हमारे कल 8 बजे से लगातार हमारे सेक्टर इंचार्जेस की मीटिंग थी और आज 2:20 तक थी। बवाना सीट पर 23 अगस्त को उपचुनाव होना है। जाहिर है आप और बीजेपी की चिंता साथ बचाने की है, तो कांग्रेस के सामने खाता खोलने की चुनौती। टोटल न्यूज के लिए दिल्ली से विश्वजीत झा की रिपोर्ट।